थक गई आज? क्या क्या किया? बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, इतने सारे। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम परवीन ऑफिशियल। और परी गई हुई है कोचिंग, और कॉलेज उसके 28 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो अब क्योंकि लड़की जो है करिश्मा वो आएगी बर्तन धोने के लिए, तो मैंने सोचा उससे पहले कि जो है मैं डिनर के लिए आलू का चंदा बना लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ी सी किचन समेट दी है, बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं सारे जो हमने दोपहर को लंच किया था। और मोहित चला गया है तो घर थोड़ा सा सूना सा लग रहा है, इसलिए क्योंकि कोई जब आता है और दो चार दिन जब साथ रहता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, घर में घूमता फिरता रहता था। तो अब मैं क्या है कि परी गई हुई है तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल घर एकदम सूना सूना सा, कुछ नहीं। वैसे तो कल भी परी नहीं गई थी, तो आदत हो गई थी मुझे, जब परी स्कूल जा रही थी, वो कॉलेज जा रही थी, सॉरी कोचिंग जा रही थी, तो मैं 4-5 घंटे के लिए ऐसे अकेली रहती थी। दिन में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो मैं अपने मोबाइल में कुछ देखती रहती हूँ या अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ। शूट करने का कुछ इसलिए मन नहीं होता कि कुछ होता ही नहीं है, कि मतलब कि क्या शूट करूँ अकेले के लिए भी। तो मैंने चाय बना ली है अपने लिए क्योंकि शाम हो गई है। तबीयत ठीक है, आज बेहतर है पहले से, और बेहतर हो जाएगी। मेरा एक्चुअली थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ चलती रहती है, जैसे कि मेरे को जो है ब्लड जो है एवरी मंथ जब मेरा साइकिल आता है तो एवरी मंथ जो है मेरे को यू इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जो मेरा ब्लड है वो लॉस होता है। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि ये जो है ये ऐसे रहेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की हुई है जो मैं खाती रहती हूँ, उनको बीच बीच में कभी कभी मिस हो जाती है लेकिन रेगुलरली मैं उनको खाती रहती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू का चंदा। तो अभी इस बार मैं आलू का चंदे को इस तरह से हाथों से ही कट करूँगी, मैं उसको स्लाइसर से कट नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी ये थिकनेस है ना, हमें ये इतनी थिकनेस का चाहिए तो वो अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं आलू को कट कर लूँगी। तो मैं ये आलू जो है स्लाइसर से कट नहीं करके और इस तरह से कट कर रही हूँ, ये देखिए। जिसमें इसको हमारे यहाँ आलू का चंदा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसको कैसे बनाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें नहीं डलती हैं और जल्दी ही बन भी जाता है, तो एक ही बेहतर ऑप्शन होता है अगर आलू हैं और कुछ भी नहीं है, बस साबुत मिर्ची होनी चाहिए, आलू होना चाहिए, और ये जो है आपका आलू का चंदा रेडी हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको चाहो तो स्नैक्स की तरह से भी ऐसे भी खा सकते हैं, तो हम तो इसको कई बार रूखा भी खा लेते हैं बिना रोटी के भी। तो मैं ये कट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे आलू जो हैं वो कट हो गए हैं और एक रह गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आलू का चंदा कैसे बनाती हूँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर घर में कुछ ना हो और कुछ चटपटा सा, कुछ अच्छा सा खाने का मन हो तो ये सब्जी आपको पसंद आएगी। इवन ये सफ़र में, लंच में, बच्चों के टिफ़िन में भी झटपट भी बन जाती है और आसान भी है, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। तो चलिए मैं इसको वॉश कर लेती हूँ पहले। तो ये हमने वॉश कर लिया है और इसमें पानी डाल दिया है, तो चलो चलते हैं हम अपने गैस की तरफ और चलिए कैसे बनाते हैं इसको दिखाती हूँ। तो ये हमने ले लिया कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे ऑयल, और अब इसमें हम डालेंगे जीरा, और डालेंगे साबुत लाल मिर्च इस तरह से टुकड़ों में करके, क्योंकि ये साबुत लाल मिर्च से ही फ्लेवर आता है इसमें। और तुरंत ही हम अपने आलू को डाल देंगे इसमें, क्योंकि लाल मिर्च नहीं तो काली हो जाएंगी। और बस अब हम इसको स्टिर कर लेते हैं। हम बहुत थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी
बेल बजी हुई देख कर आती हूँ। अब हम जा रहे हैं अंदर, तो चलो फटाफट। तो सब्जी हमारी बन गई है, अब परी आएगी तो वो रोटी डाल देगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो टाइम हो रहा है 6, तो 7 बजे तक परवीन जी आ जाते हैं, तो एक बार सब्जी और गर्म हो जाएगी। और मैंने सुबह बनाया था अरबी, तो अरबी की सब्जी मैंने नहीं बनाई थी, एक्चुअली परी ने बनाई थी। तो थोड़ी सी सुबह की अरबी की सब्जी भी रखी हुई है, रस्से वाली, और थोड़ा सा हमने आलू का चंदा बना दिया सूखा सा। और क्योंकि आजकल परवीन जी जल्दी आ जाते हैं, तो हम जो डिनर है वो जल्दी ही निपटा लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको मेरी आलू के चंदे की रेसिपी कैसी लगी, या आप यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर आलू को बनाते हैं तो और किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मुझे रेसिपी बनानी होगी तो मैं डेफिनेटली आपकी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम परवीन ऑफिशियल, और गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, मैं नहाया ही हूँ और परी चली गई है। आज परी का पहला दिन है कॉलेज का, तो परवीन जी भी चले गए हैं, अर्श वहाँ है हॉस्टल में, आपको पता है, तो मैं अकेली हूँ। तो मैं अब अपना नाश्ता खुद से बना कर लेकर आई हूँ। नाश्ता मेरा बन गया है, रेडी है। और मैंने नाश्ते में क्या बनाया है, रात के एक आलू के चंदे रखे हुए थे वो हैं, और मैंने तोरी के पत्तों की भुजी बनाई है वो है, और तोरी चने की दाल हमने बना ली थी लंच में, जो परवीन जी लंच लेकर गए हैं। तो ये दिखाती हूँ मैं अब आपको अपना नाश्ता। ये देखिए, ये मेरा नाश्ता है। तो मैं फटाफट से अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो नाश्ते में मैंने बनाई है अपनी ये फीकी चाय है मेरी, शुगर फ्री डाली है इसमें, और ये तोरी के पत्तों की भाजी है, और ये आलू का चंदा, और रोटी है, और ये मैं हूँ, और मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और ये जो तोरी के पत्तों की जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत यम्मी लगती है जब इसमें लहसुन का छौंक लगता है। तो अब तोरी के पत्तों को बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, तोरी की सब्ज़ी अलग से बना लिया करें, और उसके जो पत्ते हैं मतलब छिलके होते हैं उनको मोटा मोटा जब पील कर लेते हैं, बॉईल करके, उनकी जो भाजी है वो बहुत ही अच्छी लगती है, भुजी उसकी, तो ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करें। तो चलिए मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। 2000 years later। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम परवीन ऑफिशियल। और 1:30 बज रहा है, घर के सारे कई सारे काम हो गए हैं, मैं नहा ली हूँ, नाश्ता कर लिया था, और कपड़े लगभग धुल चुके हैं, मैंने मशीन लगाई हुई है, देखिए काम चल रहा है। ये देखिए काफ़ी सारे कपड़े धुल चुके हैं, और थोड़े से पेंडिंग है अभी, और ये सब सूख चुके हैं। ये बस ये बेडशीट रह गई है, और ये पायदान रह गए हैं, सारे पायदान मैंने डाल दिए हैं इसमें। मशीन मेरी बंद हो गई है, तो चलो मैं ये ड्रायर में से कपड़े निकाल के फैला देती हूँ। लास्ट के कपड़े हमने इसमें डाल दिए हैं, और तब तक ये घूमती है, ये लास्ट के रह गए हैं, और हम चलते हैं अंदर। बेडशीट भी मैंने उतार ली थी, और बेडशीट बिछा देते हैं बेड पर। ये गद्दा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो ये देखो मैं दिया है उबलने के लिए, और एक कटोरी निकाल लेंगे हम मिक्स दाल। तो आज हम बनाएंगे एक और अच्छी सी रेसिपी, ये मिक्स दाल निकाल लेते हैं, एक कटोरी नाप लेते हैं हम। बस जो बनाएंगे वो एक कटोरी इनफ है। तो ये जो एक कटोरी दाल है, ये हम गर्म पानी में डाल देंगे जिससे कि ये जल्दी भीग जाए, और इसको हम बाद में अच्छे से धोएंगे। और इसको गैस को बंद कर देते हैं, और ये गैस अभी तक हमारा चेंज नहीं हुआ है, इसको रख देते हैं वापस, और ये फूल जाएगी। अब ये जो जिसको 3-4 घंटे चाहिए वो लगभग घंटे भर में ही फूल जाएगी, और उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। चलो तो इसको भी रख देते हैं। और ये हमने देखो ग्रॉसरी वाली अलमारी को पूरा सजा दिया है, जो सामान आया था ग्रॉसरी का वो हमने रखा दिया है सारा, सब तरह की दालें डब्बों में भर के ये ओट्स के डब्बे थे, सारे खाली हो गए थे, तो मैं धीरे धीरे करके ऐसे यूज़ कर लेती हूँ उनको। और ये देखो हमने रख दिया कढ़ाई, और इसमें हम पकाएंगे तेल, ये है सरसों का तेल, ये 1 लीटर के करीब मैं इस तरह से पका लेती हूँ। और जब ये अच्छे से पक जाता है तो इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने उस
बर्तन में जिसमें हम ये मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज जिससे कि जो तेल की झल है वो निकल जाए। तो ये देखो ये ले लिया है हमने लहसुन, लहसुन इसमें डाल देंगे और ये ले लिया है हमने प्याज जिसको हमने ऐसे मोटी मोटी सी कट कर ली है और इस तरह से छिलके भी उतार लिए हमने, इसको हम इसमें डाल देंगे, इससे ये अच्छे से पक जाएगा और जो तेल है तेल की झल निकल जाएगी। और एक बार हम इसमें नमक के पानी का छींटा भी लगाएंगे। और सरसों के तेल की झल कैसे निकलती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि फिर भी थोड़ी सी सरसों के तेल की आती है और फिर बच्चे नहीं खाते हैं और परवीन जी को भी थोड़ा सा लगता है, हालांकि हेल्थ के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सरसों के तेल की झल बिल्कुल 100% कैसे निकल जाए, उसका कोई ट्रिक है, कोई ख़ास तरीका है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी दाल फूल रही है, ये छिलके उठाकर फेंक देते हैं और ये हमारा तेल पक रहा है और बाहर हमारी मशीन का काम चल रहा है। तो चलो बाहर चल कर देख लेते हैं, मशीन बार बार बज रही है और मैं क्या बनाऊँगी वो मैं जब बनाऊँगी ना, क्या बनाऊँगी वो जब बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बनाऊंगी। सुबह परी ने बनाई थी मूंग की दाल सूखी वाली, तो मैंने उससे कहा था बस थोड़ी सी ही बनाना है इतनी सी। और अब मुझे लग रही है भूख, क्यों भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी खाने का। तो दाल को हम उतार कर रख देते हैं अपनी और इसी पर हम अपना बनाएंगे। क्या बनाऊंगी मैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये ले लिया हमने कढ़ाई और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और गैस को कर देंगे तेज। और अब इसमें हम क्या डालेंगे चलिए बताती हूँ। और ये दूसरी तरफ मेरा तेल जो है वो अच्छे से पक रहा है। तो ये देखिए पानी में आ गया है बॉईल और मैं इसमें डाल दूँगी ये ओट्स आधा कटोरी, मेरे लिए इनाफ है। और इसको अच्छे से चला लेंगे, बहुत जल्दी झटपट बन जाता है और बहुत अच्छा भी है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो अब हम इसमें डाल देंगे दूध, और बस थोड़ी देर इसको और पका लेंगे। और हम इसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी इलायची डालेंगे। तो ये देखो मैंने इलायची को इस तरह से पीस के रखा हुआ है, जो दाने हैं वो छान लिए थे और जो मोटे मोटे होते हैं वो मैं इस तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। और ये रख लिया है हमने मीठे के लिए गुड़ कद्दूकस, जब हमारा ये बन जाएगा तब हम इसमें अपना गुड़ मिला लेंगे, या आप जैगरी पाउडर भी मिला सकते हैं, मेरे पास गुड़ रखा हुआ था, मुझे थोड़ी सी लगता नहीं है ज़्यादा कुछ भी। और ये फट रहा है देखो, मैं डर रही थी, प्याज मोटी मोटी सी काटती थी ना। ये देखो ये ले लिया है हमने थोड़ा सा पानी एक दो चम्मच और इसमें डाल देंगे नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और इसको हल्के से डाल देंगे। और दूसरी तरफ हमारा ये भी बन गया है, बस ये रेडी हो गया है। और गुड़ इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको कर लेंगे सर्व। और ऊपर से डालेंगे हम ये अपना मिक्स, बस। और ये हो गया है हमारा लंच रेडी। ये बेडशीट हमारी
ये बेड हमारा हो गया है रेडी, बेडशीट बिछा दी है इस पर हमने, और ये ब्लैंकेट है ओढ़ने के, इनको हटा लेते हैं और बाहर चल के देख लेते हैं, और मैं ले आती हूँ अपना खाना। तो ये मेरा हो गया है लंच प्रिपेयर। जितना मीठा चाहिए था बैलेंस है, तो जो गुड़ है वो अल्टरनेट है और अच्छा ऑप्शन है। तो चलो मैं अपना लंच जो है एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाहर मशीन चल रही है, अभी काम फिनिश नहीं हुआ है। ये हमने रख दिया है इसमें पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हम इसको स्टीम करेंगे, और ये कढ़ाई ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैंने पानी उबालने के लिए रख रखा है सिर्फ इसको। और इसमें हम डालेंगे अब स्टैंड, ये स्टैंड रखेंगे, और इसके ऊपर ये कढ़ाई रखकर हम स्टीम करेंगे, इसको हम चिकना कर देते हैं। लाल मिर्च डालेंगे हम, नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे अच्छे से कलर के लिए। और डालेंगे थोड़ा सा सोडा एक चुटकी के करीब, डालेंगे गरम मसाला, ये हमारा होममेड गरम मसाला है, तो थोड़ा सा ही डालेंगे, और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसमें सोडा वगैरह डाल दिया है, इससे अच्छे से पक जाएगा। और दालें हमारी भीगी हुई थी, अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम कढ़ाई में। इसको हमने ग्रीस कर लिया था अच्छे से, और अच्छे से इसको ऐसे फैला लेंगे। कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। ये देखो दाल का ये हमारा तैयार हो गया है, अभी हल्का सा गर्म है, बाकी ठंडा हो चुका है, तो हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। सब्जी मेरी बन गई है और परी भी आ गई है, देखो ये आ गई परी चेंज करके कोचिंग और कॉलेज से दोनों से। जाओ सब्जी दिखा कर आओ हमारी कैसी बनी है। लग गई आज क्या क्या किया? बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, इतने सारे, तीन चार तो मेरी बेडशीट थी, क्योंकि डबल डबल उतारी थी ना, पानी बिखर गया था मेरे से पूरा, ये स्लीपर है ना ये भरा था दवाई खाने के। आज भी आज भी अरे तभी तो बेडशीट ये वाली बदल दी, फिर
तो उसकी नीचे वाली चादर भी उतारी, ऊपर वाली चादर भी उतारी, और कल जब फिर से नीचे वाली उतार दी, नीचे वाली तो कुछ भी नहीं डाल रखा इसके ऊपर, वही वाली है, लेकिन ये सूख गई थी, मैंने इसको जब तक कपड़े धोए ना तब तक बाहर डाल दिया तो सूख गई, तो फिर बेडशीट बिछा दी, तब तक अपना कुछ और काम कर लिया था। अपने लिए ओट्स बनाए, मीठे ओट्स, गुड़ डाल के, और वो जो मेरी डाइट क्या बोलते हैं उसको, ग्रैन्यूल्स, जो मैं जो डालते हैं वो डाल के खाए, अच्छे लग रहे थे, मज़ा आया मुझे, हालांकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बना ली थी, मुझसे खाई भी नहीं जाती, अब मेरी और क्वांटिटी लेस हो गई है, मेरी क्वांटिटी और लेस हो गई है, जितना तो बनाती थी ना उतना ही बनाया था मैंने, लेकिन वो भी मुझसे खाया नहीं जा रहा, फिर मैंने वो दो बार मैं खाया, बीच में काम करने बाहर चली गई, फिर वापस आके फिर खा लिया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा घर में अकेले? मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मुझे वही वाले दिन याद आ गए जब तुम स्कूल जाते थे, जब तुम छोटे थे और मैं इतनी देर के लिए रहती थी, फिर तुम जो है ट्यूशन चले जाते थे एक बार के लिए, तो मुझे वैसे ही फील आ रहा है, लेकिन बहुत बदलाव आया है उन सालों में, तब वो तुम छोटे थे और अब मैं, जब मैं कुछ नहीं करती थी तो क्या करती थी, काम निपटा के सोती थी, काम भलिया ही काम करवाया और सो गई, या फिर उसको ऐसा टाइम देती थी कि जिस टाइम वो मतलब मैं सो के तुम्हें स्कूल भेज के सो जाती थी, लेकिन अब मैंने सो बोला है करिश्मा से कि वो अपना टाइम ठीक कर ले, उसके जाने के बाद सोती मैं थोड़ी देर, घंटे दो घंटे एक बार आदत डाल लूँगी, जिससे कि मेरी नींद पूरी हो जाए, रात भर जागती हूँ ना तो उससे सेहत पर फिर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि रात को देर से नींद आती है, और मशीन का पाइप नहीं था तो इसलिए बहुत परेशानी हुई, कपड़े बहुत टाइम में धुले, पता कैसे, आप खंगाल खंगाल के धो रही होंगी उसमें ही? नहीं, हाँ उसमें पहले एक बार वॉश किया, फिर उसी में ड्रेन किया पानी से, फिर उसको ड्रायर किया, फिर सुखाया, फिर नेक्स्ट का डाला, फिर वापस से सर्फ डाला, ऐसे करके धोए हैं पाइप। अरे यार आज मैंने देखा था, पापा को बोल दे पापा लेते आएंगे, पापा तो पास में आ रहे होंगे, पूछो जो भी होगी आस पास तो वो तो मिल जाएगी, ठीक है।